नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट के दो विज्ञापन जारी किए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, दो अलग अलग नोटिफिकेशन है अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट के। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, दिल्ली में आई हुई है दिल्ली छावनी परिषद की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं जितनी भी अपनी छावनियां हैं ऑल ओवर इंडिया में। ऑफिशियल वेबसाइट है delhi.cant.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे दोनों नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है। तो इनमें से एक नोटिस तो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं अलग अलग वीडियोज के माध्यम से, तो उस नोटिस को भी पहले एक बार फिर से देख लीजिए, फिर दूसरा नोटिस भी देखेंगे। ये देखिए, पहला नोटिफिकेशन दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 14 दिसंबर 2022 इस पर डेट डली हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जूनियर क्लर्क पद का नाम है, लेवल 7 सीपीसी, पे मैट्रिक्स 19,200 से 63,200। ये सैलरी मिलेगी। कुल पदों की संख्या यहां है 22, अनरिजर्व्ड की 11 है, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसियां इसमें शामिल है। पीएच के लिए भी एक पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 पोस्ट इसमें शामिल है। इनके लिए 12th क्लास आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, उसी के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और ये कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। ₹500 एप्लीकेशन फीस है जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट है 21 से 30 साल। एससी एसटी ओबीसी पीएच एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाई थी delhi.cant.gov.in, वहीं पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 दिसंबर 2022 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2023 है। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, दूसरा नोटिफिकेशन ये 5 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2022 जो इसमें पोस्ट शामिल है, एक तो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसियां हैं 3, एक अनरिजर्व्ड की, एक एससी की और एक ओबीसी की। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी एक पोस्ट इसमें शामिल है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग पे स्केल है 35,400 से 112,400। लेवल 6 है। असेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है, बाकी किसी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट वही 21 से 30 साल। अनरिजर्व्ड के लिए एससी एसटी ओबीसी पीएच एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी वही है। 6/12/2022 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि 2 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, दो अलग अलग रिक्रूटमेंट दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आई हुई हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।